लिम्फोमा यानी रक्त का कैंसर भारत में होने वाले टॉप कैंसर में से एक है। क्या आप जानते हैं कि लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है जिसमें स्टेज फोर में भी ऑलमोस्ट 2/3 पेशेंट्स का जड़ से इलाज किया जा सकता है। तो आज हम आपके सारे लिम्फोमा क्वेश्चंस को अपने वीडियो में सॉल्व करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है जो हमारे कंट्री में फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। इनफैक्ट मैं अपनी हर ओपीडी में ऑलमोस्ट 2-3 पेशेंट्स देखता हूँ और उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाया लिम्फोमा के रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे कि नंबर 1, लिम्फोमा क्या होता है और इसके क्या प्रकार होते हैं। नंबर 2, हाई ग्रेड और लो ग्रेड लिम्फोमा में क्या डिफरेंस होता है। नंबर 3, लिम्फोमा के कॉमन सिम्टम या लक्षण क्या होते हैं। नंबर 4, लिम्फोमा का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इसमें क्या टेस्ट होते हैं। नंबर 5, लिम्फोमा का क्योर रेट या प्रोग्नोसिस क्या है, यानी लिम्फोमा का सर्वाइवल रेट क्या है। और नंबर 6, लिम्फोमा को ठीक करने या जड़ से इलाज करने के क्या तरीके हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों, एक एक करके हम आपके ये सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि लिम्फोमा क्या होता है। तो दोस्तों, लिम्फोमा एक कैंसर होता है कि जो लिम्फोसाइट से फॉर्म होता है। तो लिम्फोसाइट क्या होते हैं, हमारे रक्त के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेल होते हैं जो बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, और उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेल होता है जिसको लिम्फोसाइट बोलते हैं। और लिम्फोसाइट का मेन पर्पज होता है इन्फेक्शन से लड़के हमारी बॉडी को सेफ रखना। पर कभी कभी इन लिम्फोसाइट्स के अंदर ही कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है जिसको लिम्फोमा बोलते हैं। तो जैसे लिम्फोसाइट में लिम्फ नाम है, वैसे ही लिम्फोमा में लिम्फ नाम है। तो लिम्फोमा एक लिम्फोसाइट्स का कैंसर है जो बहुत ही कॉमन और फ्रीक्वेंटली होने वाला एक कैंसर होता है। और लिम्फोमा की ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट प्रकार होती है। तो बॉडी में क्या होता है कि एक तरह का लिम्फोमा एक तरह का लिम्फोसाइट नहीं होता, जिसकी वजह से बॉडी में एक तरह का लिम्फोमा नहीं होता। क्या देखा गया है कि बॉडी में जो जब स्टेम सेल लिम्फोमा में कन्वर्ट होता है तो अलग अलग स्टेजेस पे उस स्टेम सेल में कैंसर का कन्वर्जन हो सकता है, जिसका नेट रिजल्ट ये है कि अलग अलग तरह के लिम्फोसाइट में अलग अलग तरह का लिम्फोमा होता है। और ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट टाइप्स के लिम्फोमा है जिनका सबका ट्रीटमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पेशेंट को यदि लिम्फोमा की बीमारी है तो वो एक एक्सपर्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करे, जिसका रीजन ये है कि कोई भी एमेचर आदमी जो हर लिम्फोमा को एक ही तरह से ट्रीट करेगा वो पेशेंट को उस तरह का आउटकम नहीं दे सकता जो एक एक्सपर्ट दे सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट को पता है कि हर लिम्फोमा का ट्रीटमेंट डिफरेंट है और हर लिम्फोमा में अलग तरह के ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यू माइट आस्क इज कि जो लिम्फोमा की बीमारी है उसमें पेशेंट को किस तरह के लक्षण हो सकते हैं, यानी किस तरह के सिम्टम हो सकते हैं। तो दोस्तों, लिम्फोमा यानी जो ब्लड का कैंसर है इसका मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम होता है शरीर में गांठ होना। क्योंकि क्या देखा गया है कि लिम्फोसाइट कॉमनली वेरियस लम्प्स बनाते हैं बॉडी के ऊपर, जो कॉमनली जहां पर लिम्फ नोड्स होते हैं वहां पर पेशेंट फील करता है। तो मोस्ट कॉमन एरियाज होते हैं नेक एरिया, कंधे के नीचे का एरिया, जांग एरिया और कभी कभी पेट के अंदर। तो यदि किसी को भी इन एरिया में कोई गांठ फील हो तो उनको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। उसके अलावा साथ में लिम्फोमा में जो कॉमन सिम्टम होते हैं वो होते हैं फीवर, यानी पेशेंट को बुखार होता है कॉमनली इवनिंग के टाइम में। वेट लॉस, यानी पेशेंट का बॉडी वेट कम होता है कॉमनली 5-10% या उससे ज्यादा का वेट लॉस को सिग्निफिकेंट मानते हैं। नाइट स्वेट्स, यानी पेशेंट नोटिस करता है कि शाम के टाइम उसको पसीने आते हैं जिससे उसका पूरा बदन भीग जाता है, जिसको हम ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स बोलते हैं। और इसके अलावा कभी कभी लिम्फोमा वेरियस ऑर्गन्स को डैमेज करता है जिससे पेशेंट को सिम्टम होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोन मैरो फेलियर, क्योंकि कुछ लिम्फोमा बोन मैरो जिसमें ब्लड बनता है उसको इन्फिल्ट्रेट करके शरीर की खून बनाने की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेशेंट का खून की कमी से थकान और फटीग हो सकता है, या प्लेटलेट की कमी से पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सिम्टम्स कॉमन लिम्फोमा के सिम्टम्स है, और यदि इनमें से कोई भी सिम्टम आप या आपके फैमिली मेंबर फेस कर रहा है तो आपको जल्द से जल्द एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिम्फोमा को डायग्नोसिस करने में कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो लिम्फोमा को डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, डिपेंड करता है कि हम कौन सा लिम्फोमा सोच रहे हैं। तो सबसे कॉमनली यदि कोई पेशेंट सस्पेक्टेड लिम्फोमा के साथ हमसे मिलने आता है तो हम उसके कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिनमें से कॉमन टेस्ट होते हैं हीमोग्राम, देखने के लिए बॉडी के सेल्स अफेक्टेड तो नहीं है, वायरल मार्कर्स, क्योंकि कुछ वायरस की वजह से भी लिम्फोमा हो सकता है, LDH जो कि एक प्रोटीन होता है जो कई लिम्फोमा से बढ़ा हुआ होता है, और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जो कि देखता है कि सर्कुलेटिंग ब्लड में कोई एबनॉर्मल सेल तो नहीं है,
साथ ही पेशेंट को कॉमनली स्कैन अंडरगो करना पड़ता है जिसमें या तो सीटी स्कैन या फिर पेट स्कैन का टेस्ट होता है, और साथ ही कुछ पेशेंट्स के अंदर लिम्फोमा के जो भी स्वेलिंग है या मास है उसकी बायोप्सी करते हैं, यानी टुकड़े की जांच करते हैं, या फिर बोन मैरो बायोप्सी जिसमें कि हड्डी के अंदर एक पतली सुई डाल के ब्लड सक करके चेक करते हैं कि बोन मिलाने वाले कंपार्टमेंट का क्या स्टेटस है। तो कॉमनली लिम्फोमा पेशेंट्स में ये टेस्ट वेरियस कॉम्बिनेशन में किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हर पेशेंट में हर टेस्ट नहीं किया जाता, इनमें से कुछ टेस्ट किसी में किए जाते हैं और कुछ टेस्ट किसी में किए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन सा लिम्फोमा पेशेंट में सोच रहे हैं। तो दोस्तों टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या लिम्फोमा एक क्योरेबल या ट्रीटेबल डिजीज है। तो इसका आंसर है एक रिजाउंडिंग यस। तो लिम्फोमा दोस्तों बॉडी के सबसे क्योरेबल कैंसर में से एक है। इनफैक्ट कई लिम्फोमाज ऐसे हैं जिनमें स्टेज फोर में भी 70-80% क्योर रेट है, और कुछ लिम्फोमाज ऐसे हैं जिनमें लॉन्ग टर्म डिजीज कंट्रोल रेट जो कि डेकेड्स तक भी हो सकता है वो कंटेम्पररी मेडिसिन से पॉसिबल है। इनफैक्ट कुछ लिम्फोमा ऐसे होते हैं जिनमें मात्र एक गोली से पेशेंट अपनी बीमारी को एक डेकेड से ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, बट लिम्फोमा एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट है, और मैं पेशेंट को हमेशा यही बोलता हूँ कि यदि उनको लिम्फोमा की बीमारी है तो हमारा गोल शुड ऑलवेज बी टू क्योर द कैंसर एक्सेप्ट इन सम सिलेक्टेड पेशेंट्स। तो फाइनली दोस्तों बात करते हैं कि लिम्फोमा का इलाज कैसे किया जाता है। तो देखो दोस्तों लिम्फोमा के इलाज में विभिन्न मोडालिटीज का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। इनफैक्ट लिम्फोमा की मैनेजमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग फील्ड है, और आई विल से लगभग हर साल या दो साल लिम्फोमा का मैनेजमेंट इवॉल्व करता है और ट्रीटमेंट चेंज होती है। तो साथ ही डिफरेंट तरह के लिम्फोमा में ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। तो लो ग्रेड लिम्फोमा जो कि स्लो ग्रोइंग लिम्फोमा है उनमें ट्रीटमेंट अप्रोच अलग होती है, हाई ग्रेड लिम्फोमा जो कि फास्ट ग्रोइंग लिम्फोमा है उनमें ट्रीटमेंट अप्रोच अलग होती है, बी सेल लिम्फोमा का ट्रीटमेंट अलग होता है, टी सेल लिम्फोमा का ट्रीटमेंट अलग होता है, एंड सो फोर्थ। तो इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट अप्रोच के लिए आप अपने क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले जो कि आपको गाइड कर सकेंगे कि लिम्फोमा का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। पर ब्रीफली लिम्फोमा में फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स यूज की जाती है, नेमली रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। तो हम एक एक करके इन चारों थेरेपीज के बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर्जरी एक ऐसी मोडालिटी है जो लिम्फोमा में नहीं यूज की जाती। तो कॉमनली पेशेंट पूछते हैं कि सर मेरे को लिम्फोमा की गार्डन को ऑपरेशन क्यों नहीं करते। तो लिम्फोमा एक ऐसी बीमारी है जिसको सर्जरी से खत्म नहीं किया जाता, और इनफैक्ट सर्जरी का काम लिम्फोमा में सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम ये हो सकता है कि भाई ट्यूमर की मान लो बायोप्सी के लिए सर्जन की जरूरत पड़े तो हम सर्जन को उस काम के लिए इन्वॉल्व करते हैं, बाकी सारा इलाज लिम्फोमा का मेडिकल बेस्ड या रेडिएशन बेस्ड होता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रेडियोथेरेपी के बारे में। तो रेडियोथेरेपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इनविजिबल बीम्स ऑफ हाई एनर्जी से कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती है। तो रेडियोथेरेपी का रोल लिम्फोमा में लिमिटेड है दोस्तों, मेनली जो लिम्फोमा एक स्पॉट पे लोकेटेड है और बॉडी में और कहीं नहीं है उनमें रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करके लिम्फोमा को खत्म किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल यदि किसी को लिम्फोमा की गांठ सिर्फ गर्दन में है और बॉडी में और कहीं लिम्फोमा के कोई सेल नहीं है तो रेडिएशन से उस लिम्फोमा को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट यह है कि लिम्फोमा बस कुछ ही लिम्फोमा ऐसे है जिनमें रेडिएशन अलोन क्योरेटिव होती है, मेजोरिटी ऑफ लिम्फोमास में रेडिएशन के साथ साथ दूसरी टेक्नोलॉजी जैसे कि हम आज डिस्कस करेंगे वो भी यूज की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है कि ये एक न्यूएंस है कि हर पेशेंट में रेडिएशन अलोन इज नॉट इनफ और एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स की ट्रीटमेंट करने का बेस्ट तरीका है। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी दोस्तों होती है कीमोथेरेपी। तो दोस्तों कीमोथेरेपी का से हमारा तात्पर्य होता है कुछ दवाइयां जो बॉडी में जाके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय या किल करती है। तो कीमोथेरेपी एक क्लासिकल या ट्रेडिशनल तरीका है कैंसर को ट्रीट करने का, और लिम्फोमा एज ऑफ टुडे एक ऐसा कैंसर है जिसमें अभी भी कीमोथेरेपी का रोल बड़ा स्ट्रांग है। तो आपने मेरे अन्य वीडियोज में देखा होगा कि हम डिस्कस करते हैं कैसे धीरे धीरे कीमोथेरेपी का रोल कम होता जा रहा है, और बहुत सारे कैंसर आज के एरा में ऐसे हैं जिनमें कीमोथेरेपी यूज नहीं होती, उनका ट्रीटमेंट पूरी तरह टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी से किया जाता है। पर लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है जिसमें आज की एरा में भी कीमोथेरेपी का बहुत प्रोमिनेंट रोल है, और इन माय एक्सपीरियंस अराउंड 60-70% लिम्फोमा पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। बट अच्छी चीज क्या है कि पुराने जमाने की कीमोथेरेपी से कंपेयर नए जमाने की कीमोथेरेपी काफी माइल्ड है, यूजली साइड इफेक्ट्स काफी कम होते हैं और क्योर रेट काफी हाई है। तो कीमोथेरेपी से हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि मॉडर्न एरा में सेफ कीमोथेरेपी इज वेरी इजी, और ज्यादातर पेशेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट नहीं होते, और जिस पेशेंट को कीमोथेरेपी की जरूरत है यूजली कीमोथेरेपी से उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट और बहुत ही स्ट्रांग बेनिफिट देखा जाता है। फिर नेक्स्ट थेरेपी की हम बात करते हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। तो दोस्तों टारगेटेड थेरेपी से हमारा तात्पर्य है उन दवाइयों का
जो कैंसर और नॉन कैंसर सेल में जो जेनेटिक डिफरेंसेस है उस लेवल पे काम करके कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती है। तो फॉर एग्जांपल जब नॉर्मल लिम्फोसाइट कैंसर लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होता है तो उसमें जिस तरह के जेनेटिक चेंजेस आते हैं यदि हम उन पर्टिकुलर चेंजेस को ट्रीट करने के लिए कोई दवाई दें तो उसको हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। तो दोस्तों टारगेटेड थेरेपी लिम्फोमा में एक इवॉल्विंग थेरेपी है और रिसेंट पास्ट में देखा गया है कि एक बहुत सारी मतलब ट्रक भर के टारगेटेड थेरेपी रिसर्च से क्लिनिक में आई है और बहुत सारी थेरेपीज अब उन कैंसर्स में अवेलेबल है जिनको शुरू में माना जाता था कि सिवाय कीमो के कोई ऑप्शन ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एक तरह का कैंसर होता है जिसको हम क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा बोलते हैं CLL, और क्लासिकली ये माना जाता था कि इसके इलाज का जो मेन ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी है और वही ट्रीटमेंट है इसका। और क्या होता था कि कीमोथेरेपी फेल होने के बाद पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, परंतु अब इसके लिए एक नई टारगेटेड थेरेपी आ गई है जिसको इब्रुटिनिब या एकलाब्रुटिनिब बोलते हैं। और इस थेरेपी में देखा गया है कि पेशेंट को कीमो की जरूरत ही नहीं है, पेशेंट डेली बस कुछ टैबलेट्स खाता है और उसी से बीमारी सालों साल या इवन डेकेड्स तक कंट्रोल की जा सकती है। तो सिमिलरली बहुत सारे कैंसर में ग्रेजुअली टारगेटेड थेरेपी आगे आ रही है और ग्रेजुअली कीमोथेरेपी का रोल इस कैंसर में भी लिम्फोमा भी देखा जा रहा है कि कीमो का रोल ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है और दूसरी थेरेपी का रोल बढ़ रहा है। तो इम्पोर्टेंट चीज पर यह है कि हर कैंसर में टारगेटेड थेरेपी यूज नहीं की जा सकती, इसलिए आपको अपने ओंकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना पड़ेगा कि आपके कैंसर में टारगेटेड थेरेपी का पॉसिबिलिटी है या नहीं। और फाइनली दोस्तों बात करते हैं इम्यूनोथेरेपी के बारे में। तो दोस्तों इम्यूनोथेरेपी से हमारा तात्पर्य है कुछ टेक्नोलॉजी जो बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को काबिल बनाती है कैंसर को मारना। तो दोस्तों यदि हम बात कर रहे हैं लिम्फोमा की, तो ज्यादातर इम्यूनोथेरेपी जो हम यूज करते हैं कैंसर में उनका मेन पर्पज ही ये होता है कि लिम्फोसाइट्स को यूज करो ताकि वो कैंसर को मारे। पर जब लिम्फोसाइट का ही कैंसर है तो इम्यूनोथेरेपी का इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट हो जाता है, परंतु नेवरदलेस कैंसर में दो या तीन तरह की इम्यूनोथेरेपीज लिम्फोमा के अंदर अवेलेबल है। तो पहली इम्यूनोथेरेपी को हम बोलते हैं एंटी CD20 एंटीबॉडी। तो एंटी CD20 एंटीबॉडी से हमारा तात्पर्य है कुछ स्पेशल थेरेपीज या कुछ स्पेशल दवाइयां होती है जो कैंसर सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर्स है जिनमें से एक रिसेप्टर को CD20 बोलते हैं जो कि हर 20 सेल के अंदर होता है उसको जाके उससे चिपक जाती है जिसकी वजह से बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम उसको खा के उसको कंज्यूम करने के काबिल बन जाता है। तो CD20 इम्यूनोथेरेपी जो कि दो तीन तरह की होती है कैंसर के ट्रीटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जो भी बी सेल लिम्फोमा है यानी जो बी लिम्फोसाइट से बनने वाले लिम्फोमा है जनरली उसमें इस थेरेपी का इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो अकेले दे या कीमोथेरेपी के साथ दे, और जनरली इसमें ये इनका एक अच्छा क्योर रेट या कंट्रोल रेट देती है। दूसरी तरह की इम्यूनोथेरेपी दोस्तों अंडर डेवलपमेंट है, कई वेरियस तरह की इम्यूनोथेरेपीज है जो कैंसर सेल को वेरियस रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करती है ताकि इम्यून सेल उस चीज से इंटरेक्ट करके कैंसर सेल को खा सके। इनमें से कुछ थेरेपीज इंडिया में अवेलेबल है, कुछ इंडिया में अवेलेबल नहीं है और कुछ अंडर डेवलपमेंट है। तो ये एक स्पेस है जो फ्यूचर में बड़ी एक्साइटिंग है और हमें इसको वॉच करने की जरूरत है। फाइनली हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नई थेरेपी के बारे में जिसको हम बोलते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल यानी कि कार टी सेल। तो दोस्तों कार टी सेल एक बहुत ही यूनिक और एडवांस टेक्निक है जो कुछ सिलेक्टेड लिम्फोमा में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। तो कार टी सेल थेरेपी में क्या करते हैं कि पेशेंट के बॉडी से डिजीज से फाइट करने वाले सेल यानी लिम्फोसाइट्स को निकाला जाता है और उन्हें एक स्पेशल बायोटेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से उन सेल्स को मॉडिफाई किया जाता है। उन सेल्स में एक वायरस से या वेरियस वेक्टर से उन सेल पे एक नया रिसेप्टर जोड़ा जाता है जिससे कि वो सेल बॉडी के अपने बी सेल्स को पहचान सके और उनको नॉर्मल सेल ना समझ के उनको एनिमी सेल समझे और उनको खा के खत्म कर दे। तो जब ये सेल्स को मॉडिफाई करके डेवलप कर दिया जाता है तो उन्हीं सेल्स को बॉडी के अंदर वापस इंजेक्ट किया जाता है और देखा गया है कि कुछ स्पेशल टाइप के कैंसर्स में इसका बहुत ही ड्रामेटिक और बहुत ही फास्ट रैपिड असर है जिससे कैंसर को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। तो कार टी सेल्स एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है, परंतु कार टी सेल्स की मेन प्रॉब्लम क्या है कि नंबर वन ये एक टेक्निकली कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट थेरेपी है और एज ऑफ टुडे ये थेरेपी इंडिया में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई एक कार टी सेल प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है बट अभी भी वो प्रोग्राम पूरी तरह लॉन्च नहीं हुआ है और वो एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स के अंदर ही है, परंतु एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी ये थेरेपी हमारी कंट्री में अवेलेबल हो जाएगी। नंबर टू ये थेरेपी काफी एक्सपेंसिव है, यदि हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो कॉमनली इस थेरेपी का खर्चा कई करोड़ों में गिना जाता है, परंतु हमारी एक्सपेक्टेशन अगेन ये है कि जब ये थेरेपी हमारी कंट्री में अवेलेबल हो जाएगी ओवर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो नंबर थ्री इस थेरेपी की मेन लिमिटेशन ये है कि इस थेरेपी के साइड इफेक्ट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं
ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है, बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत लो कर सकती है। और एक सिंड्रोम होता है, इसको साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम बोलते हैं, जिसपे बॉडी के ऑर्गन्स में मल्टी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो इसकी इस थेरेपी को मैनेज करने के लिए काफी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो कि अगेन चूंकि हमारी कंट्री में कार्टिसल थेरेपी करेंटली नहीं है, इसलिए ये एक्सपीरियंस धीरे धीरे हमारी कंट्री को भी डेवलप करना पड़ेगा। बट एक्सपेक्टेशन ये है कि ओवर टाइम ये थेरेपी हमारी कंट्री में वेल डेवलप हो जाएगी और पेशेंट को अच्छा आउटकम देगी। तो टू कंक्लूड, जो मेन ट्रीटमेंट अप्रोचेस मैंने बताई है लिम्फोमा के लिए, नेमली रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, इनके विभिन्न कॉम्बिनेशन अलग अलग पेशेंट्स को दिए जाने चाहिए। सब पेशेंट में सब थेरेपी काम नहीं करती, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछे कि आपके पर्टिकुलर लिम्फोमा में कौन सी थेरेपी बेस्ट है और किससे आपको बेस्ट आउटकम मिला जा सकता है। तो लास्ट में दोस्तों हम बात करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में। तो दोस्तों बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक स्पेशल टेक्निक है, और हालांकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं करना चाहता। ये एक टेक्निक होती है जिसमें बॉडी के जो नॉर्मल इम्यून सेल्स है उनको दवाई देकर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और पेशेंट का अपना या पेशेंट के कोई मैश डोनर का बोन मैरो रिप्लेस करके बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है, परंतु कुछ लिम्फोमास में इस थेरेपी की जरूरत पड़ती है, हर लिम्फोमा में नहीं। तो हालांकि आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डेप्थ इनटू दिस टॉपिक, पर कुछ पेशेंट यानी अराउंड 10-15% ऑफ पेशेंट को लिम्फोमा के इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ती है, जो कि उन पर्टिकुलर पेशेंट्स को यह थेरेपी दी जानी चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लिम्फोमा टॉपिक के बारे में यूजफुल जानकारी मिली होगी। तो लिम्फोमा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हम एक इंडिविजुअल लिम्फोमा को हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, परंतु मोटा मोटा हर लिम्फोमा का ट्रीटमेंट अलग है, ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लिम्फोमा है और सबका ट्रीटमेंट अलग है। तो मे बी एज टाइम पासेस वी विल ब्रिंग यू मोर वीडियोज अबाउट ईच इंडिविजुअल लिम्फोमा। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई चीज कवर नहीं हुई है, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक्स या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको इसका जवाब मिले। यदि आपको कैंसर के टॉपिक में इंटरेस्ट है या आप जानना चाहते हैं कि हम कैसे इंडिया को कैंसर फ्री कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करें। हमारा मिशन है कि वर्ल्ड के बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारी कंट्री के पेशेंट्स को जानकारी भी मिले और थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट भी मिले इन देयर लैंग्वेज एट बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो यदि इस मिशन में हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े और हमारे सोशल मीडिया लिंक से हमें फॉलो करें। थैंक यू एंड होप टू सी यू अगेन इन अनदर वीडियो वेरी सून।